का विवाह किया जाएगा। दशरथ के सुपुत्र राम ने यह शर्त को पूरा किया और सीता के साथ विवाह किया। विवाह के बाद नव दंपति ने राजा जनक के आशीर्वाद लिए और अपने राज्य अयोध्या की ओर चल पड़े। और राजा दशरथ ने अपने चेज पुत्र राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय किया। यह बात सुनकर रानी कैकेयी आनंदित हो गई। तभी इस बात को सुनकर मंत्रा रानी कैकेयी के पास आती है और उनके साथ मिलकर षड्यंत्र रचाती है। कितनी खुशी की बात है, कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा। अरे मंत्रा, तूने कल सुना क्या? कल मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तू क्या खुश हो रही है? क्या तू नहीं चाहती कि तेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने? और तू यह भी नहीं चाहती कि तू अयोध्या की राजमाता बने? तो फिर याद कर उस दिन को जब महाराज दशरथ ने तुझे दिया था। आज समय आ गया है वो वचन मांगने का। मांग कई कई मांग वो वचन मांग वो। यह बात सुनकर कई कई राजा दशरथ के पास गई। महाराज, मैं आज आपसे तो वचन मांगने आई हूँ। हाँ प्रिय, मांगो। क्या मांगना चाहती हो? मेरा पहला वचन, कल राम की जगह मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। और मेरा दूसरा वचन, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। नहीं। फिर दशरथ ने राम को बुलाया और अत्यंत दुखी होकर राजा दशरथ ने राम को कैकेयी को दिए गए वचन की बात कही। राम तो आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने
अपने माता पिता की आज्ञा को आशीर्वाद मानकर वनवास जाने का निर्णय किया। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण पिता दशरथ के आशीर्वाद लेकर वनवास के लिए निकले। और सरयू नदी के किनारे जाते हैं। सरयू नदी के किनारे इन केवल अपनी नाव में बैठा था। केवट ने प्रभु श्री राम को आते हुए देखा और उनके पास गया। प्रभु आप यहाँ और इन वस्त्रों में? हाँ केवट, हम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। क्या तुम हमें ये नदी पार करवा सकते हो? हाँ प्रभु, क्यों नहीं, परंतु 14 वर्ष का वनवास? हाँ केवट, अब हमें वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और वे सब वन की ओर निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे वे सब चित्रकूट नाम की जगह पर पहुंचते हैं। वहां वन में वह चित्रकूट में एक सुंदर सी जगह देखकर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। और ऐसे ही साल दो साल समय बीतता गया। एक दिन की बात है, जब राम और सीता अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, तभी सीता ने एक सुवर्ण मृग देखा। प्रभु, क्या आपने वो सुवर्ण मृग देखा? मुझे वो मृग बहुत पसंद है, क्या आप मेरे लिए वो मृग लेके आ सकते हो? हाँ प्रिय, अवश्य। लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, सुनो, मैं वह मृग को पकड़ने जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम सीता का ख्याल रखना और कहीं मत जाना। जो आज्ञा भ्राता श्री। यह कहकर राम मृग को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। और जब राम ने मृग को बाण मारा, तब मारीच रूपी राक्षस ने लक्ष्मण का नाम लेकर चिल्लाने लगा, लक्ष्मण 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 लक्ष्मण। यह सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए जाने का आदेश दिया। तभी लक्ष्मण ने एक लकीर खींचते हुए बोला, भाभी श्री, मैं भ्राता श्री की मदद के लिए जा रहा हूँ, आप यह लकीर पार करके कहीं ना जाए। और लक्ष्मण राम की मदद के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण के रूप में रावण भिक्षा मांगने के लिए आता है। और सीता जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आई, साधु रूपी रावण ने अपने वास्तविक रूप में आ गया और सीता का हरण करके लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे राम भक्त जटायु नामक पक्षी मिला, जो श्री राम का भक्त था और वो राम नाम जप रहा था। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे दुष्ट रावण, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये मेरे प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता है, और मेरे होते हुए तुम उसे कहीं नहीं ले जा सकते हो। अरे तुझ पक्षी, तू रोचा मेरे रास्ते से, वरना तेरा मैं वध कर दूंगा। और फिर
जटायु और रावण के बीच में युद्ध शुरू होता है। जटायु घायल अवस्था में गिर पड़ता है। तभी सीता अपने आभूषण की थैली जटायु को लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद वहां राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए आते हैं। हे सीते सीते मामी श्री सीते सीते मामी श्री। जटायु, प्रभु आप आ गए। वो दुष्ट रावण माता सीता को अपने साथ लंका ले गया है। और प्रभु ये है वो आभूषण जो माता ने मुझे जाते समय दिए थे। जय श्री राम। और फिर आभूषण लेकर राम और लक्ष्मण आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में उनको हनुमान और उनकी वानर सेना मिलती है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रभु आप इतने दुखी क्यों हो? हनुमान रावण सीता का हरण कर लंका ले गया है और हम सीता की खोज में निकले हैं। प्रभु मैं माता सीता को खोजने जाता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। हाँ हनुमान, हनुमान ये मेरे सीता की अंगूठी है, ये अंगूठी तुम सीता को देना और उनको मेरा संदेश देना कि मैं उन्हें जल्द ही लेने लंका आऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान और उनकी वानर सेना प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए लंका की ओर चल पड़ते हैं। लंका पहुंचते ही हनुमान ने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। जय श्री राम जय श्री राम। तभी हनुमान ने राम की दी हुई अंगूठी माता सीता पर फेंकी। अरे ये अंगूठी मेरे प्रभु श्री राम की है, ये यहाँ कौन लाया? जय श्री राम। माता मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ और ये अंगूठी मुझे प्रभु श्री राम ने दी है और ये संदेश दिया है कि वे जल्द ही आपको लेने लंका आएंगे बधाएंगे। यह कहकर हनुमान वापस अपने प्रभु श्री राम के पास जाते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम के पास पहुँचते ही हनुमान माता सीता को मिलने का संदेश देते हैं। और तभी हनुमान के साथ उनकी वानर सेना उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाती है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण हनुमान और उनकी वानर सेना लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे वे सब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। समुद्र तट पर आकर प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु बनाया जिसमें हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखा था। जय श्री राम 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 जय श्री राम। जय श्री।
जय श्री राम। इसीलिए वो पत्थर पानी पर भी तैर रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे ही राम सेतु पर चलकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी वानर सेना लंका पहुंचते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लंका पहुंचते ही एक और थी हनुमान। लंका पहुंचते ही एक और थी प्रभु श्री राम की वानर सेना और दूसरी ओर थी रावण की राक्षस सेना। दोनों सेना के बीच में घमासान युद्ध शुरू होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा करके हनुमान और उनकी वानर सेना के साथ अयोध्या वापस आते हैं। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, घर घर दीप जलाए, उनका स्वागत किया, जिसे हम आज भी दिवाली के रूप में मनाते हैं। हैप्पी दिवाली।